हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरा एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट। और सीरियसली मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, तो पता नहीं क्या होगा, पास या फेल। बट मैं यहाँ टेंशन में हूँ और विवान का मस्ती चल रहा है यहाँ। क्या कर रहे हो? चलो हाइड एंड सीक मत ले करो, चलो हम लेके चल रहे हैं ना। चल देखिए कि चाबी ले लिया है। इससे क्या करोगे आप? दरवाजा तो ऐसे ओपन होता है। अब स्लोली स्लोली डोंट रन। सीरियसली वो वाला एग्जाम के दिन में टेंशन हुआ था, पर आज ज्यादा टेंशन हो रहा है। वो रिटन था तो ठीक था अपना, लेकिन कोई नहीं। आज क्या है? प्रैक्टिकल टेस्ट। आज प्रैक्टिकल टेस्ट है। अगर आज पास कर जाएंगे तो मेन लाइसेंस मिल जाएगा क्या? और हम ड्राइव तो अभी भी कर पा रहे हैं, पर हम तब अकेले भी ड्राइव कर पाएंगे क्या? तो चलिए चलते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो कि रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएंगे। सीरियसली टेंशन हो रहा है। टेंशन क्या होना, फेल हो जाना उसमें क्या ही फर्क पड़ता है? अरे अच्छा अच्छा बोलिए यार, फेल हो जाना है क्या क्या मतलब है? पास हो जाना है। बहुत ज्यादा फेल ये लोग पास हो रखे हैं, ऐसे चलाने ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं ना। जो रैश ड्राइविंग करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंसी तो है। और क्या है जो भी होगा हम बता देंगे सबको। क्या है, दोबारा देना पड़ेगा? बहुत लोग फेल होते हैं। आपको पता है? नहीं, ड्राइविंग टेस्ट बता ये रिटन में हुए थे ना। वो रिटन में भी हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। हमको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे ना। Use the right two lanes to take exit 30 to merge up. Finally, हम लोग आ गए DMV. बस चलते हैं। जोर से लगा है मेरे को। Vivan, are you nervous? I am. You know why? Why? You know why? I have to give the test. Not allowed. Okay, अंदर allowed नहीं होता है. I'm not gonna make that video. कि अंदर allowed नहीं है. बाहर करोगे तो तुमको गाड़ी बाहर ऐसे ही निकालना है। ये गाड़ी वहाँ है ना, जोर से। तो फाइनली बाहर लॉबी में वेट करने के बाद और सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ये मेरे एग्जामिनर थे, जो कि काफ़ी स्वीट थे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना है अभी तक कि US में जो ड्राइविंग टेस्ट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लोग काफ़ी मतलब एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, क्लासेस लेते हैं ड्राइविंग की। और मैं सच बताऊँ ना तो मैंने ज़्यादा अभी तक ड्राइविंग भी नहीं की है, बस थोड़ा बहुत विवान को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ, वो भी लर्नर्स पे। आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बाहर से सारे हेडलाइट्स ऑन करने बोले, सारे मतलब जो हमारे ब्लिंकर्स ऑन करने बोले, और सब वो प्रॉपर चेक करते हैं कि कार प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, और आप कार के साथ कितने फेमिलियर हैं। तो ये चेक करने आते हैं पहले वो बाहर से, उसके बाद वो आपको बोलते हैं चलाने। मुझे पहले पता था कि मेन रोड पे लेके जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने मतलब आई थिंक अलग अलग जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वहाँ अलग अलग होता है। जब मेरे हस्बैंड का ड्राइवर्स टेस्ट हुआ था तो उनको रोड पे लेके गए थे, बट यहाँ पे इन्होंने रोड पे नहीं लेके गए मुझे, बट इन्होंने अपने पीछे मतलब बैकयार्ड पे एक प्रॉपर सेटअप बना रखा था, जिसको आप जैसे देखिए, ये देखिए मैं चला रही थी उधर गाड़ी। तो मुझे बताया गया कि स्पीड लिमिट जो है आपकी 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइक आपको कंट्रोल रखना है, 15 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब वो जैसे जैसे वो डायरेक्शंस दे रहे थे मुझे उसको फॉलो करना था, मुझे सारे रूल्स फॉलो करने थे, स्टॉप साइन पे स्टॉप करना था, और उसके बाद मैं वैसे ही फॉलो करते जा रही थी। तो मुझे वहाँ पे वो बता रहे थे कि आपको लेफ्ट लेके और जो वहाँ पे कोन्स लगे हैं वो पार्किंग बनी है, तो उस दोनों कोन्स के बीच में सेफली पार्क करना है। अगर आप कोन्स में टच करते हैं कार तो आप इमीडिएट फेल हो जाते हैं। तो मैं वहाँ पे पार्क कर रही थी, ये देखिए। तो
और मैं बहुत ही आराम से, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई हुई थी और मैंने आराम से जो है कार को वहाँ पे पार्क कर लिया। वहाँ पे पार्क करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपसे मुनव्वर पूछते हैं लाइक सिचुएशन की, कि अगर आप अप हिल्स पे खड़े हैं, आपने पार्क किया तो कर्व साइड आपके राइट पे है तो आपके व्हील्स किस साइड पे होने चाहिए। तो इस तरीके के ना क्वेश्चंस वो पूछते हैं और आपको बताना है कि आपका प्रॉपर जो एक्शन है वो क्या होगा। अगर आप अपहिल में पार्क कर रहे हैं टूवर्ड्स कर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप डाउनहिल में पार्क कर, तो इस तरीके के सवाल वो करते हैं। वो सब जवाब मैंने दे दिया और उसके बाद फिर उन्होंने बोला एग्जिट होने के लिए, मतलब वहाँ पे एक सीनिक ड्राइव इन्होंने बना रखा है वहाँ पे उन्होंने, अच्छा नहीं यहाँ पे वो मुझे 3-point turn करा रहे थे। यहाँ पे 3-point turn आप लोगों में से जो लोग ड्राइव करते हैं वो लोग जानते ही होंगे, 3-point turn करा रहे थे। मैं बहुत स्केयर थी पता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे मतलब वो अच्छा खासा अमाउंट $500-600 बर्बाद करते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए। वो मतलब जो ट्रेनिंग वाले होते हैं ना उनको हायर करते हैं, उनसे मतलब लेसन्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिर जाके वो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने तो लिटरली बस एग्ज़ाम पर के एग्ज़ाम दिया था और वो तो एक बार में हो गया था और फिर टेस्ट देने के लिए चली आई थी। और अभी मतलब सुबह में बस विवान को थोड़ा ड्रॉप करती हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने इंडिया में ड्राइव करा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है वहाँ से, कुछ चीज़ें जैसे वहाँ पे हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं थी तो यहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिक है तो वो बहुत इजी है, गाड़ी ड्राइव करना बहुत इजी है। बट द मोस्ट पार्ट इज़ आपका रिफ्लेक्स। जो इंडिया में ड्राइव करा है जिसने, वहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है और यहाँ पे राइट साइड ड्राइविंग होती है। स्टेयरिंग भी उल्टा है, वहाँ पे राइट साइड पे स्टेयरिंग होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्टेयरिंग होता है। तो ये जो हम इंडियंस होते हैं ना, हमारा एक रिफ्लेक्स होता है इंडिया में बना हुआ जो आप वहाँ पे ऑलरेडी अगर ड्राइव करा है आपने तो ये मैं टेस्ट देके आ गई थी। फेल हो गए हम बहुत ही सिली सा मिस्टेक की वजह से, क्या ही पता है। ओह माय गॉड, पास हो जाते हैं, इतना इंप्रेस था बाकी सब चीज से मेरा एग्जामिनर। लेकिन हमने क्या किया, ये इंडिया वाला रिफ्लेक्स तो नहीं है, हमने गलती से लेफ्ट लेन में 10 seconds के लिए, 10 भी नहीं 1-2 seconds के लिए चला दिया गलती से। नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, थोड़ा सा ग्लिम्स है मेरे लास्ट पार्टी का सेंट पीट्स में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग मायामी आ गए हैं और सेंट पीट्स में हमारे जो भी फ्रेंड्स थे उनसे अलग अलग मिलने जाना तो पॉसिबल था नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक पिज्ज़ा पार्टी कर लेते हैं वीकेंड पे। तो हमने सब लोगों को एक पार्क में इन्वाइट किया। पर के तो दो माले एकदम। तो ये जो तूफान आया था ना मिल्टन, ये उसका कहर का असर है, क्रेन बिल्डिंग के ऊपर ही गिर गया। किस? विवांस पापास ऑफिस। अभी तक इस महीने तक यही ऑफिस, राइट। तो उसके बाद ऑफिस में थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग आ गए थे पार्क। ये बहुत हमारा डाउनटाउन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है भाई सेंट पीट्स, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज जुड़ी है वहाँ से। तो हम लोगों ने एक पार्क सेलेक्ट किया था बिकॉज हम लोग एक्चुअली गेस्ट हाउस में रह रहे थे, हमने अपार्टमेंट खाली कर दिया था और गेस्ट हाउस का टूर भी हमने दिया था व्लॉग में। तो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो देख लें, मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से वो गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया गया था, एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोगों ने पार्क में सबको बुलाया था। तो ये पार्क बिल्कुल बे साइड था तो बड़ा ही सुंदर था, और उधर छोटे वाले जो फ्लाइट्स उड़ते हैं ना वो उधर एयरपोर्ट भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये पार्क में। हमेशा यहाँ पे चिल करने के लिए आया करती थी तो इसीलिए मैंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया था। यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, पानी है, बोट्स हैं, एक तरफ प्लेन है। तो बस हम लोग अब वहाँ पे, सब कुछ मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बस पिज़्ज़ा पार्टी ही थी बेसिकली। तो बस हमारे फ्रेंड्स का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आ ही रहे होंगे। तो ये आ गए थे हमारे दोस्त सारे और हम लोगों ने जम के की पिज़्ज़ा पार्टी। और हम लोग, मुझे नॉन वेज नहीं खानी थी एक्चुअली, तो और कुछ लोग और वेजिटेरियन थे तो हम लोगों ने वेज पिज़्ज़ास मंगाए थे और बच्चों के लिए चिकन मंगाया था कि जिनको खाने का मन होगा वो लोग खाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी गप्पे मारी, पुराने दोस्त हैं ऑब्वियसली,
मज़ा तो आता ही है, मिलने में अच्छा लगता ही है। हम लोगों ने व्यू का आनंद लिया, आप देख ही पा रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर व्यू था। सेंट पीट्स मायामी भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियसली तो मुझे एक्सप्लोर करना है, मैंने किया नहीं है। आई एम हैप्पी कि मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि सेंट पीट्स में मैंने पूरे शुरू से ब्लॉगिंग की नहीं थी, चैनल स्टार्ट करा नहीं था, बट ये नया शहर मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगी। आई होप कि आप भी एक्साइटेड हो उसके लिए। आपको मायामी में कोई जगह पता हो जो मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, सो दैट मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी और आपके लिए व्लॉग बना के वीडियोज़ हम लोग शूट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली डॉल्फिन्स दिख रही थी, तो इसीलिए हम लोग जूम करके वेट कर रहे थे कि डॉल्फिन जब जंप करेगी तो दिखेगी, तो दो चार बार दिखी थी, फिर उसके बाद हम लोग बच्चों में बिजी हो गए थे। और हम लोगों को सीक्वेंस का इतना ज़्यादा नशा है दोस्तों कि हम लोग इतनी ज़्यादा विंडी होने के बाद भी हम लोगों ने सीक्वेंस वहाँ पर फैलाया कि हम खेलेंगे। और देखिए कितना जुगाड़ लगा था, स्प्राइट का डब्बा काटा, उसके अंदर हम लोगों ने अपने कार्ड्स रखे एंड एवरीथिंग, बट फाइनली गेम पूरा नहीं हो पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा हवा चलने लग गई थी, तो हम लोगों ने समेट लिया था। ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के बाद मैं दूंगी मंडे को दोबारा ड्राइविंग टेस्ट, उसका रिजल्ट देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं उसमें आपके साथ दोबारा अपना ड्राइविंग टेस्ट का वीडियो शेयर करूंगी और आपको रिजल्ट बताऊंगी। और उसके बाद वहाँ पे प्लेग्राउंड था, इसलिए भी मैंने वो जगह सेलेक्ट की थी, और फेंस भी था, तो बच्चे काफ़ी मतलब सिक्योर थे, तो हम लोग थोड़े रिलैक्स थे कि बच्चे अगर फेंस के अंदर हैं, वो लोग अपना चिल कर रहे हैं, तो हम लोग भी रिलैक्स होके मतलब इन्जॉय कर सकते थे। और बच्चों को झूला झूलना था, और विवान के पापा को सबने पकड़ लिया था कि भाई आप झुलाइए और बहुत तेज़ तेज़ झुलाइए, तो बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। ये था हमारा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ, सो डोंट मिस आउट, उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, जल्दी ही मिलूंगी मैं दूसरे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।